वेलकम अगेन टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरे कुछ कैमरे के सूट्स आए हुए थे स्टिच होकर, तो मुझे ये था कि चले मैं आपके साथ थोड़ी सी इनकी डिटेलिंग शेयर कर दूं। और ये बहुत ही मैंने कैजुअली अपनी तरफ से स्टिच करवाए हैं, लेकिन करते करते भी ना थोड़ा बहुत इनका जो लुक होता है, जो इनकी होती है डिज़ाइनिंग, वो फॉर्मल में चली जाती है। तो ये बहुत ही मेरे फेवरेट पेन कलर्स में से हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मियों से पहले ना कैम्ब्रिक मतलब कि कॉटन जो है वो वियर की जा सकती है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो पहला जो मेरा ये सूट है, ये जे डॉट से मैंने बाय किया था और ये इसकी विंटर कलेक्शन से था। इसका शॉपिंग वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुका है, मुझे अगर याद रहा, क्योंकि मेरी मेमोरी पता नहीं अब कुछ ज़्यादा ही लूज़ होने लग गई है। पहले तो इतना ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे याद नहीं रहता अब कि मैंने आपको ये वीडियो कब शेयर किया था, लेकिन रिसेंटली ही ड्यूरिंग अ वन ईयर किया था। तो आप लोग ज़रूर, मुझे याद रहा तो यहाँ आई कार्ड पर मैं लगा दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। ये मैंने इस तरह से, जिसको पैनल शर्ट, कलियों वाली शर्ट कहते हैं ना, ये इस तरह से मैंने ये दो इसके फ्रंट पे बनवाए हैं सिर्फ, क्योंकि बैक पे वैसे भी जो विंटर्स में ना इतना ज़्यादा इन डिज़ाइनिंग्स का फ़ायदा होता नहीं है, हमने जर्सी स्वेटर्स और शॉल्स वगैरह वेयर करनी होती हैं, तो ये सारा जो डिज़ाइन होता है हमारा वो छुप जाता है, तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। नेक लाइन पर थोड़ी सी मैंने डिटेलिंग की है, बड़ी प्यारी सी, बड़े मज़े की। इस पर मैंने इस तरह से ये जो है ना, यहाँ इस तरह से आपको शो करवाती हूँ कि ये थोड़े से प्यारे से बटन्स लगवा दिए मैंने, और बाकी जितना भी है ना ये सारा डिज़ाइन स्टिच करवाया है। अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आजकल ना इस नेक लाइन का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा। तो बाकी बैक साइड जो है इसकी बिल्कुल सिंपल में है, ये देखिए इसका ये दामन है, ठीक है, फ्रंट दामन है इसका, इस तरह से फ्रंट पे पैनल है, दो साइड पर ये सेंटर लेस मैंने लगवाई है, ये आप देखें इस तरह से सेंटर लेस है, ओवरलॉक भी सारी साथ में हुई हुई है, और ये इंटरफेसिंग भी करवाई है इसी के मैचिंग कपड़े से, इसके ट्राउजर से, और साथ में ये इस तरह से बड़ा प्यारा सा ये छोटे छोटे से फ्लावर्स वाला ना मुझे लेस मिल गया था बहुत मुश्किल से, क्योंकि ये कलर बड़ा यूनिक सा कलर है, ना मरून में है, ना डार्क पिंक में है, ना शॉकिंग पिंक में है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही ढूंढ ढूंढ के मुझे इसके लेसिस के लिए ना एफर्ट करनी पड़ी थी। और बैक देख लें, बैक बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, सिर्फ फ्रंट में मैंने रखवाई है इसकी डिज़ाइनिंग, और बाकी बैक जो है इसकी सिंपल में है, इस तरह से राउंड नेक के साथ है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि विंटर्स में इतना ज़्यादा इचर पिचर की भी ज़रूरत नहीं है कि स्वेटर्स हमने वियर करने होते हैं और वो फिर जो डिज़ाइन होते हैं ना वो छुप जाते हैं। हाँ जी, तो स्लीव्स ज़रा देखिए आप, इसकी मैंने इस तरह से बनाई है, ये देखें इस तरह से, आई होप कि यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। यहाँ पर ये मैंने पर्स लगा दिए, और सारी बाकी इसके साथ इस तरह से इंटरफेसिंग है, ठीक है, फ्रंट पे इस तरह से है इसका, बड़ा प्यारा सा ये जो इसका लेस है ना बहुत ही प्यारा सा मैच हो गया था। मैंने कोई लेस को डाई नहीं करवाया, कभी भी नहीं करवाया। मिल्की लेसेस मिलती हैं, जो ब्रीजा लेसेस होती हैं, चिकन लेसेस जो होती है ना, जिसको चिकनकारी लेसेस भी कहते हैं, तो उनको लोग डाई करवाते हैं, लेकिन उन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि उनका जो कलर है ना वो फेंट हो जाता है कुछ वॉश के बाद। तो वो एक्सपीरियंस मुझे एक ही दफ़ा हुआ था, उसके बाद मैंने कभी भी दोबारा किसी भी लेस को ऐसी बाय करने के बाद डाई नहीं करवाया। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मुझे मैचिंग मिल जाए, तो ये मुझे मैचिंग मिल गई थी, ये सारी ना इसमें इस तरह से, ये सेंटर लेस है, इस तरह से इसके अंदर सेंटर लेस है। और जी ये है शर्ट मेरी, इसके साथ जो ट्राउजर है, नॉर्मल से डिजाइनिंग के साथ ट्राउजर बनवाया मैंने, कोई इतना ज्यादा इसको नहीं मैंने डिजाइन किया, सिंपल में है, ये देखिए आप
इस तरह से है ये सिंपल में। बस इसकी उसी तरह से सेंटर लेस मैंने सेम जिस तरह से मैंने इसमें व्हाइट लगवाई है, व्हाइट मैंने इसलिए लगवाई है ताकि इसके कलर में एक ही जैसी सिमिलैरिटी और मोनोटनस ना आए, वरना तो फिर वो फील ही नहीं होगा, वो शो ही नहीं होगा। सो इसकी शर्ट पे मैंने व्हाइट कलर की टोन दे दी और इसकी ट्राउज़र में मैंने इसी शर्ट की पिंकिश वाला टोन दे दिया ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट से लुक करे और इन्हेंस हो, फील हो सके। तो ये ऊपर इसके पिनटेक्स हैं और मिड में इसकी सेंटर लेस है, जॉइंट लेस भी जिसे कहते हैं। आई डोंट नो ये अब क्या चीज़ है, इसे मैंने पहले भी स्टेन रिमूवर से कोशिश की थी बट अगेन इसको करूँगी, ये ना टेलर की शॉप्स पर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह से ये इसका ठीक है ट्राउज़र है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बड़ी प्यारी सी इसकी इस तरह से ये डिज़ाइनिंग है। ठीक है, आजकल इस तरह से सिंपल में ट्राउज़र्स अच्छे लगते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मल में चाहिए तो आप बिल्कुल फॉर्मल भी करवा सकते हैं। ये भी कॉटन है, कैम्ब्रिक है। ये सूट मेरा जिलबरी का है, मैंने ये जिलबरी से बाय किया था और बहुत ही खूबसूरत सा, इसको कौन सा कलर कहना चाहिए, मैं तो इसको आइसक्रीम कलर कहती हूँ, मैंगो आइसक्रीम कलर। ये बड़ी प्यारी सी शर्ट है इसकी और कॉटन है, आप देखें ये कॉटन है। ठीक है, लगती है लोन जैसी है शायद प्रिंट या कलर की वजह से, लेकिन ये कॉटन है, कैम्ब्रिक कॉटन है। इसका जो नेक लाइन है वो बिल्कुल सिंपल में बनवाया है, इस पर मैंने कुछ भी नहीं होने दिया क्योंकि ये भी जर्सीज और शॉल्स में ही आ जाना है। ठीक है, और बाकी ऑल ओवर जो इसकी शर्ट है पाइपिंग के साथ है, इंटरफेसिंग के साथ है। सिर्फ इसके फ्रंट और बैक दामन पर मैंने बड़ा ही प्यारा सा एक थोड़ा सा डिफरेंट सा डिज़ाइन बनवाया है, खूबसूरत सा। ये देखिए आप, यहाँ से अगर आप शो हो जाए तो इस तरह से, ठीक है, इसके ऊपर और इधर डबल साइड पर इसके जो आजकल समोसास बन रहे हैं, ये मैंने अलग से फैब्रिक बाय किया था, अलग से डिज़ाइन बनवाया, जो बाहर तैयार मिल रहे हैं रेडीमेड मैंने कभी वो यूज़ नहीं किए, वो अच्छे फैब्रिक के नहीं होते, धागे छोड़ देते हैं। और बाकी जो ये है ना, ये सारी मैंने इसमें लाइनें जो है स्टिचिंग की, जिसको हम बखी कहते हैं, बखी लगवाई है। और ये ऑर्गेन्जा का इसमें मैंने अलग से लेकर खुद पैच बनवाया है, करवाया है। अगर आप इसको सिंगल में देखेंगे तो ये ऑरेंज कलर है, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी पे है, रेड ले ले, ऑरेंज ले ले, बस किसी भी एक कलर का टच दे दें। और इसके एक लाइन इधर, एक इधर, और ये थर्ड लाइन इधर है, इस तरह से है। और इसकी बैक साइड भी इसी तरह से है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये डिज़ाइन, मैंने खुद से ही बनाया, लेकिन पहले मैंने सोचा कि इसको वन साइड कर दूं, फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी लुक आएगी, हैवी लुक आएगी, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो इसको मैंने बैक पैनल पर भी बनवाया है, देखें। और इसके साथ सारी ना इंटरफेसिंग है। और एक चीज़ और कि देखिए, मोस्टली इस तरह का जो ऑर्गेंजा होता है उस पर ओवर लाग नहीं होती, ओवर लाग से जो है ना वो निकल जाता है ऑर्गेंजा, तो मेरा जो टेलर है वो दूसरा तरह की कटिंग कर देता है। यहाँ पे अगर आपको शो हो जाए, बड़ी अच्छी सी कटिंग इसने की हुई है, ये सीजर कटिंग दूसरी तरह की होती है, तो इससे फिर ये जो है ना ग्रिप में रहता है। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड बिल्कुल प्लेन है, ये इसकी बैक साइड है, नेकलाइन इसकी राउंड में। और अब देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी स्लीव्स, ये देखिए इसका ये डिज़ाइन है स्लीव का, स्लीव में मैंने सेंटर लेस लगवाई है और उसी तरह से ये जो समोसा लेस है ना वो बनवा कर, ये अपनी ही मैंने अलग से कपड़ा लेकर दिया था और ये दो कलर में रेड और ब्लैक में बनवाई है ताकि थोड़ा सा फील हो, शो हो सके और इंटरफेसिंग के साथ है। ठीक है, तो ये इस तरह से है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ ट्राउजर है जी, ये है इसका ट्राउजर। वेट अ मिनट, क्योंकि ये कैम्ब्रिक है, कॉटन है, इसको इतनी मुश्किल से मैं खुद आयरन करती हूँ, मुझे किसी भी हेल्पर के हाथ की आयरन नहीं पसंद होती जब तक कि मैं खुद ना कर लूँ। तो ये इसकी कॉटन की ट्राउज़र है और इस पर भी आप देखें मैंने सेंटर लेस लगवाई है और टॉप में और बॉटम में इसके दो दो पिनटेक्स डलवाई हैं। आप पे डिपेंड करता है, बस इतनी माइनर सी जो है कैजुअल वेयर पर ना डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा फिर ओवर हो जाती है।
तो ये मेरे जिल्वरी का सूट था, कैमरिक का, कॉटन का। इसका एडवांस नाम जो है ना आजकल ब्रांड्स ने दे दिया है कैमरिक का, वैसे ये कॉटन ही है। हाँ इनमें से जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप बिल्कुल स्टिच करवा सकते हैं, बहुत इजी है और कैजुअल ड्रेसेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। ऐसे बिल्कुल माइनर सी डिज़ाइनिंग करके प्यारे प्यारे से कैजुअल सूट्स को भी हम थोड़ा सा फॉर्मल कर सकते हैं, अच्छा लग सकते हैं घर में अपना। जब हम थोड़ा सा सिमिट्री से टाइडी टाइडी रहते हैं तो घर वालों को भी अच्छा लगता है, और अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी हमारे ये बहुत ही काउंटेबल चीज़ होती है। हमारी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी बहुत अच्छा एक निखार आता है जिसे कहते हैं शख्सियत में, और घर वालों को भी अच्छा लगता है। घर के भी काम करें, सब कुछ करें। मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ें शेयर की हैं, टिप्स शेयर किए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ आपने ज़रूर फॉलो किया होगा। और वैसे भी ये जो चीज़ें होती हैं समझाने की नहीं होती हैं, हर लेडी को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अवेयरनेस होती है कि वो अपने मीन्स में रह के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करती रहती है। और स्पेशल किसी भी बारे में वीडियो शेयर करना, पॉइंट्स और टिप्स शेयर करना, वो एक अलग बात है, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो तो हम भी आपके साथ शौक से ये सारी चीज़ें जो है ना वो शेयर करते हैं अपने वीडियोस के थ्रू। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि किसी भी मेरी वीडियो से, किसी भी मेरे एक पॉइंट से, बात से अगर कोई खुशी किसी को मिलती है, कोई फ़ायदा मिलती है, तो रियली ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके साथ एक नई चीज़ मैंने ट्राई की तो सोचा आपके साथ भी मैं वो शेयर करूँ। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैंने खाड़ी से लिया है परफ्यूम। और ये जो परफ्यूम है ये 3 का सेट भी आता है, और इसके साथ साथ जो है सिंगल पीस भी आप ले सकते हैं। इसमें 3 फ्रेग्रेंसेस हैं, ये मस्क है, बॉडी मिस्ट्स भी है इसमें, मस्क भी है, ऊद भी है, और इसके साथ साथ दूसरे परफ्यूम्स भी हैं। और प्राइसेस भी आपको इनकी ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि इनकी प्राइसेस जो हैं फिक्स हैं। ये बात मुझे खाड़ी की बहुत ही अच्छी लगी है कि खाड़ी की प्राइसेस बिल्कुल फिक्स हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको नज़र आ जाए इसका नाम, ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और इसके साथ एक और है जिसके लिए मैं गई थी, वो मुझे नहीं मिला, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे पहले जो मैंने खाड़ी का एक परफ्यूम यूज़ किया था, वो लॉन्ग ओगो तकरीबन 4 साल तक मैंने यूज़ किया है, और उसकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस, वो बहुत ही ज़बरदस्त उसकी फ्रेगरेंस है, और वो भी आउट ऑफ स्टॉक है। स्ट्रोम समथिंग इस तरह से कोई उसका नाम है, मैं भूल गई हूँ, लेकिन अब क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। इंशाल्लाह याद रहा तो मैं किसी दूसरी वीडियो में ज़रूर आपको शेयर कर दूंगी। तो वो भी मैंने लेने के लिए गई थी, बट वो मुझे मिला नहीं। और जो दूसरे खाड़ी के परफ्यूम हैं उन सब की एक ही प्राइस है 3500। 3500 में आपको बहुत अच्छा एक परफ्यूम मिल जाता है जो तकरीबन आपके 3 से 4 साल निकाल लेते हैं। अगर आप उसके साथ साथ मिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, तो फिर ना वो आपका बहुत अच्छा एक टाइम निकाल देता है। तो मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अब यहाँ पर मैं परफ्यूम्स की आपको फ्रेगरेंस तो फील नहीं करवा सकती, लेकिन मुझे ये था कि चले मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये 3 का सेट भी आता है, इन पर सेल भी लगती है, लेकिन सीजनल सेल लगती है, ये ज़रूर मैं आपको बता दूँ। ये लोग बताते नहीं हैं स्टोर्स पर, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको मिले विंटर के एंड में और समर्स के एंड पे परफ्यूम्स पर भी सेल लगती है, ठीक है। इसका जो 3 का सेट है वो 4000 का है, और सेपरेटली आई थिंक ये मुझे 1400 या समथिंग 1500 में, मैं भूल गई हूँ एज़ यूजल, बस कुछ इसी तरह से मुझे 1400-1500 में ये मिला है, ठीक है। ये है बहुत स्मॉल सा और फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मिस्ट है, मिस्ट परफ्यूम है, ठीक है। ये जो बड़े परफ्यूम होते हैं ना उसी की तरह है, लेकिन इसकी पैकेजिंग छोटी है, और ये क्रिस्टल बॉटल में है। इसमें एक और गिफ्ट पैक भी आता है, उसमें भी 3 बॉटल्स हैं, वो प्लास्टिक पैकेजिंग में है, और वो 2000 का है। बहुत अच्छा है गिफ्ट देने के लिए भी, ये बहुत अच्छे हैं। तो मुझे था कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। खाड़ी की जो फ्रेगरेंसेस हैं वो भी बहुत ही टॉप क्लास हैं, और बिलीव मी बनेंजा सतरंगी की और जे डॉट की, उसके बाद खाड़ी जो है पाकिस्तानी ब्रांड्स में परफ्यूम्स में रियली बहुत ही अच्छी रनिंग कर रहा है। तो मेरी तरफ से तो खाड़ी के भी सिर्फ 2 या 3 जो परफ्यूम हैं, बॉडी मिस्ट है जो परफ्यूम्स में, वो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। अब ये इसका जो है ना, ये खाड़ी खास का मस्क है, इसका परफ्यूम नेम मस्क है। इसमें एक ऊद आता है, और 3rd one जो है वो मैं एज़ यूजल भूल गई हूँ। मेरे पास पिक्चर है, मैं आपको साथ में पिक्चर अटैच कर दूंगी, तो ज़रूर आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसी को गिफ्ट देना हो तो इस तरह की चीज़ें ना बड़ी अच्छी रहती हैं।
और मैं ये इस तरह की चीज़ें ज़रूर बाय करती हूँ जब मैंने टेस्ट करना होता है, तो मैं पहले इस तरह से छोटा साइज़ बाय करती हूँ जब मुझे वो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद में सही बड़े वाला बाय करती हूँ, क्योंकि परफ्यूम्स जो है ना बहुत कम ऐसे हैं जो सॉफ्ट से हों, जो बिल्कुल लाइट से हों, जो मेरे सेंसेस पर ना हो ना इफ़ेक्ट उसका, वरना फिर ऐसा होता है कि सर में दर्द होती है, मुझे बिल्कुल इस तरह के हैवी परफ्यूम सूट नहीं करते बेसिकली। तो आई होप कि ये वीडियो आज का आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूँ, कोई फ़ायदा आपको मेरी वीडियो से मिल सके, क्योंकि मेरी बहुत सारी जो सब्सक्राइबर कम्युनिटी है वो हाउसवाइफ है और मतलब मैरिड हैं वुमेंस, तो क्योंकि उनको घर का भी देखना होता है, अपने आप को भी देखना होता है, तो कोशिश करती हूँ उनके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो उनकी रेंज में हों, जो उनके लिए रीज़नेबल हों। डिज़ाइनिंग भी ऐसी शेयर करती हूँ जो उनके लिए इतनी मुश्किल ना हो, इजीली वो उसको फॉलो कर सकें। तो करती हूँ मैं अब यहीं पर वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, फजूल में वीडियो को लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। दुआ में ज़रूर याद रखा करें और मेरी एफ़र्ट को ज़रूर इनक्रेज किया करें। इनबॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक अटैच होता है, आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो शॉलो कर लीजिए। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब विद बेल नोटिफिकेशन। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, सी यू टुमारो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय। All of the noise turned into choirs of harmony.